अफसर आलम साहब, आपका तजिया क्या कहता है, आपकी बारीकबीनी क्या कहती है कि अगर पीटीआई चेयरमैन की रिहाई मुमकिन नहीं होती है तो पीटीआई की साख कितनी मुतासर होगी और उनको आप कहां पर खड़ा देख रहे हैं अगले इलेक्शन में? वोटर निकाल पाएगी पीटीआई फिर? मुश्किल होगा बहुत पीटीआई के लिए, क्योंकि बजाय ये रहता है कि पीटीआई ने इस बात की तैयारी नहीं की हुई थी कि इमरान खान की नाहली की सूरत में या उनके जेल जाने की सूरत में पार्टी को कौन चलाएगा। अब बजाहिर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है अगर उन्होंने प्लान किया हो और वो इम्प्लेस कर दें और वो बहुत अच्छा प्लान हो तो चीज़ें फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर वो प्लान नहीं था तो जो अभी कश्मकश जारी होगी पार्टी के अंदर, पार्टी क्यादत के लिए, फैमिली के अंदर भी और पार्टी की भी लीडरशिप के दरमियान ही, उसमें पार्टी में मजीद दरारें पड़ेंगी। पहले ही केपी में बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हो चुका है परवेज खटक और उनके साथियों के महमूद खान के जाने से। पंजाब में उस्मान बिजदार को उन्होंने निकाल दिया, दो चीफ मिनिस्टर आपके जो थे मेन वो तो आपने निकाल दी और पंजाब से बहुत सारे लोग चले गए। इस वैक्यूम को कोई और लीडर कोई भी हो, चाहे वो फैमिली के अंदर से हो या फैमिली के बाहर से, पीटीआई के, वो पूरा नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद जो कैंपेन चलनी है, फिर जो टिकट के फैसले होने हैं, ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सारा निजाम होता है और प्रोसेस होता है कि उसमें इमरान खान की बात तो हर कोई मान लेता था ना। अब इमरान खान की गैर मौजूदगी में जेल से कितने कंसेशन दे सकेंगे और जेल में भी कितना अफसर रहते हैं ये अभी वाजे नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो उनको मुसलसल रिलीज किए जा रही हैं, तो लगता यही है कि इस केस में भी उन्हें शायद फौरी रिलीज मिल जाए, बस कोर्ट के खुलने की देर है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो लगता ये है कि इसमें भी उन्हें रिलीज मिल जाएगी। लेकिन अगर रिलीज मिला भी तो भी सियासत जो है वो तभी इनके आगे बढ़ेगी अगर इन्होंने अपनी जान जीने को तय की हुई है। अफसर आलम साहब, आपके इसी पॉइंट से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर रिलीफ मिल भी जाता है तो क्या नाअहली बरकरार रहेगी? नहीं ना, तो अगर सजा मुअत्तल हो गई तो उसकी नाअहली बरकरार नहीं रहेगी ना। लेकिन ये भी फैसले में देखना पड़ेगा, अभी तक जो फैसले जिस तरह से आ रहे हैं उसमें अभाव इतना ज्यादा है कि वो अगली जो उसके ऊपर वाली कोर्ट है वो किसी भी तरफ ले जा सकती है। जैसे अभी आपने देखा ये तुलसा खाना का केस है, शट इन क्लोज मतलब केस था, इसमें कोई ऐसी बात साबित करने वाली नहीं थी। ये बात है कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, उन्होंने पैसे इनकम हुई तुलसा खाना के तोहफे देखने से, वो उन्होंने जाहिर नहीं की दो साल ना उससे इनकम टैक्स किया। ये केस है ना, तो इस केस से तीन दफा सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थी उसने इसको दोबारा सुना, तीन दफा हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने दोबारा तीन दफा सेशन कोर्ट में भेजा, तीन दफा सुप्रीम कोर्ट में गए, तीन दफा सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेजा और हाई कोर्ट ने फिर सेशन कोर्ट में भेज दिया। तो अभी फैसला आया है, अब इसके बाद हाई कोर्ट इसके साथ क्या करती है, फिर हाई कोर्ट का फैसला अगर इसमें रिलीफ कंप्लीट नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खान साहब की सपोर्ट में है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है और हाई कोर्ट में भी उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। लेकिन बात है सियासी, सियासत में खान साहब के जो नुकसान पहुंचे हैं तो वो पहुंच चुके हैं, उनसे ये साबित हो गया है कि उन्होंने अपनी इनकम दो साल छुपाई, उन्होंने पैसा खाना के तोहफे तो हर चीज लेता है लेकिन बेचता कोई नहीं है, और अगर देखे तो उसकी इनकम डिक्लेयर ना करना तो जुर्म है और वो इनकम डिक्लेयर भी नहीं की और उसको इनकम टैक्स भी नहीं दिया। ठीक है, उनका साबित हो चुका है। अगर पीटीआई चेयरमैन की रिहाई मुमकिन नहीं होती है तो पीटीआई की साख कितनी मुतासर होगी और उनको आप कहां पर खड़ा देख रहे हैं अगले इलेक्शन में? वोटर निकाल पाएगी पीटीआई फिर? मुश्किल होगा बहुत पीटीआई के लिए, क्योंकि बजाय ये रहता है कि पीटीआई ने इस बात की तैयारी नहीं की हुई थी कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में या उनके जेल जाने की सूरत में पार्टी को कौन चलाएगा। अब बजाय मैं कह रहा हूँ, हो सकता है अगर उन्होंने प्लान किया हो और वो इम्प्लेस कर दें और वो बहुत अच्छा प्लान हो तो चीज़ें फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर वो प्लान नहीं था तो जो अभी कश्मकश जारी होगी पार्टी के अंदर, पार्टी क्यादत के लिए, फैमिली के अंदर भी और पार्टी की भी लीडरशिप के दरमियान ही, उसमें पार्टी में मजीद दरारें पड़ेंगी। पहले ही केपी में बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हो चुका है परवेज खटक और उनके साथियों के महमूद खान के जाने से। पंजाब में उस्मान बिजदार को उन्होंने निकाल दिया, दो चीफ मिनिस्टर आपके जो थे मेन वो तो आपने निकाल दी और पंजाब से बहुत सारे लोग चले गए। इस वैक्यूम को कोई और लीडर कोई भी हो, चाहे वो फैमिली के अंदर से हो या फैमिली के बाहर से, पीटीआई के, वो पूरा नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद जो कैंपेन चलनी है, फिर जो टिकट के फैसले होने हैं, ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सारा निजाम होता है और प्रोसेस होता है कि उसमें इमरान खान की बात तो हर कोई मान लेता था ना। अब इमरान खान की गैर मौजूदगी में
जेल से कितनी कंसेशन दे सकेंगे और जेल में भी कितना अफसर रहते हैं ये अभी अभी वाजे नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो उनको मुसलसल रिलीज किए जा रही हैं, तो लगता यही है कि इस केस में भी उन्हें शायद फौरी रिलीज मिल जाए, बस कोर्ट के खुलने की देर है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो लगता ये है कि इस दिन उन्हें रिलीज मिल जाएगी। लेकिन अगर रिलीज मिला भी तो भी सियासत जो है वो तभी इनके आगे बढ़ेगी अगर इन्होंने अपनी जान जीने को तय की हुई है। अफसार आलम साहब, आपके इसी पॉइंट से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर रिलीफ मिल भी जाता है तो क्या नाअहली बरकरार रहेगी? नहीं, ना तो अगर सजा मुअत्तल हो गई तो उसकी नाअहली बरकरार नहीं रहेगी ना, लेकिन ये भी फैसले में देखना पड़ेगा। अभी अभी तक जो फैसले जिस तरह से आ रहे हैं उसमें अभाव इतना ज्यादा है कि वो अगली जो उसके ऊपर वाली कोर्ट है वो किसी भी तरफ ले जा सकती है। जैसे अभी आपने देखा ये तोशाखाना का केस है, शट इन क्लोज मतलब केस था, इसमें कोई ऐसी बात साबित करने वाली नहीं थी। सर ये बात है कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, उन्होंने कैसे उनको इनकम हुई तोशाखाना के तोहफे बेचने से, वो उन्होंने जाहिर नहीं की दो साल ना उससे इनकम टैक्स किया, ये केस है ना। तो इस केस से तीन दफा सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थी उसने इसको दोबारा सुना, तीन दफा हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने दोबारा तीन दफा सेशन कोर्ट में भेजा, तीन दफा सुप्रीम कोर्ट में गए, तीन दफा सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेजा और हाई कोर्ट ने फिर सेशन कोर्ट में भेज दिया। तो अभी अभी फैसला आया है, अब इसके बाद हाई कोर्ट इसके साथ क्या करती है, फिर हाई कोर्ट का फैसला अगर उसमें रिलीफ कंप्लीट नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खान साहब की सपोर्ट में है इसका, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हाई कोर्ट में भी उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। लेकिन बात इस बात की सियासत में खान साहब के जो नुकसान पहुंचते हैं तो वो पहुंच चुका है, उनसे ये साबित हो गया है कि उन्होंने अपनी इनकम दो साल छुपाई, उन्होंने तोशाखाना के तोहफे तो हर चीज लेता है लेकिन बेचता कोई नहीं है, और अगर बेचे तो उसकी इनकम डिक्लेयर ना करना तो जुर्म है, और वो इनकम डिक्लेयर भी नहीं की और उसको इनकम टैक्स भी नहीं दिया, ये जुर्म उन पर साबित हो चुका है। लेकिन अगर वो प्लान नहीं था तो जो अभी कश्मकश जारी होगी पार्टी के अंदर, पार्टी की आदत के लिए फैमिली के अंदर भी और पार्टी की सीनियर लीडरशिप के दरमियान भी, उसमें पार्टी में मजीद दरारें पड़ेंगी। पहले ही केपी में बहुत ज्यादा नुकसान उनको हो चुका है प्रवेश घटक और उनके साथियों का महमूद खान के जाने से, पंजाब में उस्मान बिजदार को उन्होंने निकाल दिया, दो चीफ मिनिस्टर आपके जो थे मेन वो तो आपने निकाल दी और पंजाब से बहुत सारे लोग चले गए हैं। इस वैक्यूम को कोई और लीडर कोई भी हो, चाहे वो फैमिली के अंदर से हो या फैमिली के बाहर से पीटीआई के, वो पूरा नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद जो कैंपेन चलनी है, फिर जो टिकट के फैसले होने हैं, ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सारा निजाम होता है और प्रोसेस होता है कि उसमें इमरान खान की बात तो हर कोई मान लेता था ना, अब इमरान खान की गैर मौजूदगी में जेल से कितनी कंसेशन दे सकेंगे और जेल में भी कितना अफसर रहते हैं ये अभी अभी वाजे नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो उनको मुसलसल रिलीज किए जा रही हैं, तो लगता यही है कि इस केस में भी उन्हें शायद फौरी रिलीज मिल जाए, बस कोर्ट के खुलने की देर है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो लगता ये है कि इस दिन उन्हें रिलीज मिल जाएगी। लेकिन अगर रिलीज मिला भी तो भी सियासत जो है वो तभी इनके आगे बढ़ेगी अगर इन्होंने अपनी जान जीने को तय की हुई है,